हर रोज जुलूस निकल रहा, छात्रा युवा है, ज़्यादातर महिलाएं, वो सब जो मुसलमान समाज के जो महिला जो घरों से कभी निकले नहीं बाहर, वो भी अब ज़्यादातर निकल के आने लगे हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। एक बात देखिए, इन सरकार इन सब जुलूस और विरोध के सामने तो झुकने वाला नहीं है। ये तो मशीन गन तक चला करके ही हो सकता है कि हवाई जहाज से बम भी गिराए, इसके पहले ये रुकने वाला नहीं है। ये लड़ाई अभी शुरू हुआ है, आगे चल के ये लड़ाई और लंबा चलेगा, मेरे ख्याल से 10-20 साल तक चल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा और संवेदनशील सरकार नेता हमारे देश में इससे पहले कभी आया नहीं। लोगों का जान का जरा से कीमत उनके पास नहीं है, बात बात में गोली चलाते हैं, कहीं पर भी कोई उसके खिलाफ कुछ विरोध करते हैं, संवाद का जो रास्ता वो तमाम बंद हो गया, सिर्फ वो मारपीट पर उतर आते हैं और वो एकदम चुरांत जो सीमा है वहाँ तक जा कर के या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। अगर वो जीत गया तो वो मानव समाज के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, बहुत बड़े भयंकर दिन आ जाएगा। और इंसान अगर जीत पाए, मानव अगर जीत पाए, तो एक नया समाज का निर्माण होगा। ये तो एक बात हुआ कि सांप बन करके आपने डंस लिया और आप बोल रहे हो कि हम बांग्ला में बोलते हो ओझा, आप हम उसको दवा दारू इलाज हम करेंगे। भाई 2003 साल में आप एक बिल काहे ला क्यों लाए थे? ये बेनागरिक करने वाला बिल आपने आप ही इतने तो लाया। इससे पहले लोगों के पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, कुछ लोगों के पास पासपोर्ट तक भी था। उन्हीं की वोटों से आपको चुना और आज आप सवाल खड़ा कर रहे हो उसके सामने कि ये सब कागजात जो है ये बेकार है, कोई नया कागजात आपको बना के वही लोग देंगे, उससे साबित होगा आप नागरिक हो। तो ये आपका कहीं ना कहीं मन में कुछ और चल रहा, जो आप वो दिखाने वाला हाथी का दांत कुछ और होता है और खाने वाला कुछ। बांग्लादेश तो हमको स्वीकार करेगा नहीं और आप बोल रहे हो कि हम यहाँ के नागरिक, तो हम क्या आसमान से यहाँ टपके? हमारे देश कहाँ चला गया? तो आप बोलो हमको कहाँ रहना है। आप हमारे लिए डिटेंशन कैंप तैयार कर रहे हो और बोल रहे हो कि हमको वहाँ रहना है, तो हम तो इसको मंजूर नहीं करेंगे ना। अभी तक तो उन्होंने जो स्टैंड है उनका वो प्रशंसनीय रहा है, लेकिन राजनेता है, किस तरफ कब मोड़ ले ले कोई ठीक नहीं है, कोई बता नहीं सकता है। तो लोगों को तो लड़ना है, क्योंकि खतरा तो लोगों का है, तो उनको वो अभी तक हमारे लड़ाई के साथी है, हमारे पक्ष में खड़ा हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो सलाम है उनको। और कल अगर वो विरोध में चला जाए तो उनके खिलाफ भी हमको लड़ना पड़ेगा। अभी CPM वाले जो है, आप देख ही रहे हो बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो इनको कितना प्रतिशत वोट मिलता है, लेकिन जब वो जुलूस निकलते हैं तो लाखों की तादाद में लोग उनके जुलूस में। ये सब CPM वाले नहीं है, ये सब उन कानून के खिलाफ वाले जो है वो CPM का जुलूस में भी जाएंगे, कांग्रेस का जुलूस में भी जाएंगे, तृणमूल का जुलूस में भी जाएंगे। अब मायावती के नाम आ ही गया, मायावती को लोगों ने तो चुन के मुख्यमंत्री बनाया था दलित लोगों ने, फिर वो दलित लोगों ने उनके खिलाफ कैसे हो गया, क्यों हो गया? यानी उनका जो प्रत्याशा है आप उस पर खड़ी नहीं उतरे, तब लोगों का आप पर से विश्वास टूट गया। अब मायावती जी उतना विरोध भी नहीं कर रहे हैं इन सब कानून के, क्योंकि उनका पीछे CBI वाले पड़े हैं, उसको डर है कि अगर इसका खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे तो हमको जेल का चक्की पीसना पड़ेगा, तो उतना वो खोल कर नहीं बोल पा रहा है जितना खोल करके वो चंद्रशेखर बोल रहे हैं आजाद,
चंद्रशेखर रावण जो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका डर नहीं है कुछ। मायावती बोलने के लिए इसलिए डर रहा है क्योंकि लालू जी का नतीजा क्या हुआ वो देखा। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है कुछ ना कुछ तो ऐसे करके बैठे हैं जो सीबीआई से उनको डरना पड़ रहा है। तो इसके लिए ये लोग जो है उतना खुल करके विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इनको भी पूछना पड़ रहा है कि हम विरोध कहाँ तक करें, हमारे राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम कहाँ तक विरोध करें। तो जहाँ तक परमिशन मिलता है उतना तक वो विरोध करते हैं। आप ये बहुत बड़े दलित की मसीहा है, हिताकांक्षी है, ये आपको सोचना गलत होगा क्योंकि उनका जो पार्टी है आप देख लीजिए आधा से ज़्यादा जो है वो उसी जाति के लोगों का ही लीडरशिप है। दलित अभी उनकी पार्टी में ही एक तरफ हो गए। इसके लिए वो क्या कर रहा वो क्या नहीं कर रहा ये बात नहीं है, बात वो है कि जनता क्या कर रहा। अब जनता वो अगर इसके इस कानून के खिलाफ में उठ खड़ा हो जाएंगे जनता उनके साथ होंगे, नहीं तो चल देंगे वो आज़ाद के साथ। उन्होंने एक गणित बैठा लिया कि सीए का पक्ष में कितना है और सीए का विरोध में। अभी ये जो सीए का विरोध में जो लोग हैं इनका वोट को अगर बंटवारा कर दिया जाए, मीम को लेके खड़ा कर दिया जाए कि और कोई राजनीतिक दल को खड़ा कर दिया जाए, कुछ वोट कट लिया जाए तो ममता हार जाएंगे। तो चुनाव तो नीति और सिद्धांत पर नहीं होता है, वो तो एक खेल है। शतरंज खेलने आप और हम बैठे, जो खेलने का जो माहिर है जो चाल जानते हैं वो जीत जाता है।